अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम शुगर बुंगल के साथ मैं हूं आपका होस्ट फारूक भट्ट। नाज़रीन, आज यकीनन आप बहुत खुश होंगे क्योंकि आज दिन ही ऐसा है। आज बड़ी ईद का दिन है, एक ऐसी ईद जो हमें सिखाती है कि कुर्बानी क्या होती है और इसार क्या होता है। और आज आपने अपने अपने घरों में यकीनन रौनकें लगाई होंगी क्योंकि खाने पकवान पक रहे होंगे और स्पेशल गोश्त के बड़े बड़े टुकड़ों को कोयलों पे और मुख्तलिफ चूल्हों पे रखकर खूब मजे का पकाया जाता है। तो आज हमने भी यहां पे खूब रौनक लगाई हुई है क्योंकि आज ईद का दिन है। और बादशाह सलामत हमारे साथ हैं। बादशाह तुसी रौनक ला ही लेंगे हो। हाँ, मौका मिलना चाहिए था रौनक लाने का। अच्छा, ब्याह हो नंग के नंग खुसरे खड़ो के रौनक लाने लग पेंदे ने। अच्छा अच्छा, एक मिनट, मैं चाह रहा हूं कि सबसे पहले यहाँ पे जितने लोग बैठे उनका तारुफ करवा दूं। बादशाह रोटी नहीं देती थी, तू रौनक नहीं लाने दूजिया भी सालों में मिलेगा, जो पतीले भी जाके रौनक लाएगा। देखो बाद साहब का तो मैं पता नहीं रौनक लाते हैं कि नहीं लाते। बादशाह टिप्पी थाने के कोल का निकला है। अच्छा, एक मिनट आप रुक जाएं क्योंकि आज हमारे दरमियान एक बड़ी प्यारी सी शख्सियत हमने स्पेशल बुलाई है ताकि लोग ईद का मजा दो बाला कर लें। समझ आ गई मेरी बात? जी जी जी। आज हमारे साथ मौजूद है मेघा जी। मेघा जी, यू आर वेलकम। क्योंकि ये सारे जो है ना, ये बिल्कुल रुकने वाले नहीं है। मेघा जी एक आर्टिस्ट है हमारे। जी जी, क्या मतलब? एक सिंगर है। मतलब किन की बात कर रहे हैं? हाय, क्या खूबसूरत बात की। वो सारा कुछ मिक्स होके आ बैठा है। वही मेरा महबूब वही है। हाँ, मैं फिल्म टीवी स्टेज सिंगर समझो, मिक्स है चार पाए। अल्हम्दुलिल्लाह, वन मैन शो हो गया माशाल्लाह। और आज से हमें देखिए ना, कोडू साहब भी अब हमारे साथ हुआ करेंगे और कोडू साहब भी बैठे हैं, वेलकम करें। हाँ, तो मैं समझ लेता हूँ। कैसा बदतमीज आदमी है, बहुत बदतमीज है। और तुम मेला में नहीं रहोगे? मैं समझा घरों बादशाह रोटी लैके आया। फिर भी है मैं मेला समझी जाओ, मैं हरियाली के लागे बैठू। लेकिन बादशाह मेरे बहुत ज्यादा की भला बिठाया कि मैं जी उन्होंने मेघा भारती राज साहब से उधर बिठाते, इधर वेखो सानू वेखो इमान अशारिया बादशाह। मेरे नाल इशारा जी। ओके, शायद साहब लोग देखो मेघा जी बैठे बैठे, और देखो वो रोटी वाले डब्बे कौन बैठा है, देखो वो भी नाल ही है। मेरे ना कि टीरा सप भा दिता राई साहब। जो ही गल मैं कहते, वैसे आपस की गल है, आपस की गल है तेरी जो आखा, तुम तो अखे की गल भी नहीं कर सकते। माशाला जिदा ताड़ा काम पे किसी अंब तोड़ दो खुले। तुम्हारी गल मानना ही कोई नहीं। अच्छा, एक गल एक नाल कर रहा हो भाई, जा चा लैके आ ते जिहड़ा इधर बैठा वो लाइन टूर देंदा खुलो कर। मेरा जी ने बड़ी अच्छी गल की।
ਕੂਲਰਾਂ ਗਲਾਸ ਬੱਜਾ ਹੈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹ ਗਲਾਸ ਕਦੀ ਉਸ ਕੂਲਰ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਕੂਲਰ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਕੂਲਰ ਗਲਾਸ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਸਗਲੀ ਟੁੱਟੇ ਗਲਾਸ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ ਟੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਮੱਝ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਮੀਂਹ ਮਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਟੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਲੋਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੂੰ ਲੋਟਾ ਨੇ ਕੀ ਨਾ ਦੇਦਾ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਘਰ ਵੜੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਆਲੂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਲੱਤ ਪਤੀਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁੱਟਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਆਲੂ 10 ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਆਲੂ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ 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 ਆਜ ਕਾ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਯੇ ਤੋ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਸ ਸਾਰੇ ਗੋਸ਼ਤ ਕੇ ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹੂੰ ਕਿ ਯੇ ਬੜੀ ਈਦ ਇਸਕੋ ਕਹਾ ਜਾਤਾ ਤੇ ਉਸਕਾ ਸਬਕ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ ਜੈਸਾ ਕਿ ਇਸਾਰ ਔਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਪਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੇ ਅਗਰ ਆਪ ਜਾਨਵਰੋਂ ਕੋ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨੇ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਆਪਣੀ ਅਨਾ ਕੋ ਵੀ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦੇ ਤੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਮੇ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਪੈਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਉਸਕੋ ਹਮ ਥੋੜਾ ਸਾ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਾਤ ਕਿ ਯੇ ਈਦ ਨਿਗਾ ਜੀ ਹੈ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਇਸੀ ਮੇ ਯੇ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਕੇ ਲਈ ਕਿਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ ਹਮ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਫਿਰਕਾ ਵਾਰੀਅਤ ਕੇ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਉਨਸੇ ਪੁਕਾਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਫਲਾਨਾ ਯੇ ਹੈ ਫਲਾਨਾ ਨੇ ਯੇ ਹੈ ਹਮੇ ਕਾਫਰ ਕਹਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤੋ ਖੁਦਾ ਕੇ ਲਈ ਆਪਸ ਮੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਨਜ਼ਰ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੇ ਤੋ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਪਿਸ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਪਿਸ ਰਹਾ ਹੈ ਆਪਸ ਮੇ ਨਾ ਇਤਫਾਕੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਅਗਰ ਹਮ ਲੋਗ ਇਤਫਾਕ ਕਰ ਲੇ ਜੈਸਾ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਬੜੋ ਨੇ ਹਮੇ ਯੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਤਫਾਕ ਮੇ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਤੋ ਅਗਰ ਯੇ ਜੋ ਭੁਲੀ ਬਿਸਰੀ ਯਾਦੇ ਹੈ ਅਗਰ ਹਮ ਯੇ ਲੜਾਈਆਂ ਯੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਇਨ ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਡਾਲ ਕੇ ਜਿਸਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ ਇਨ ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਡਾਲ ਕੇ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇ ਇਸਕੋ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਜੋ ਇਸਾਰ ਔਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਾ ਹਮਾਰੇ ਪੈਗਾਮ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਨੇ ਹਮੇ ਸਿਖਾਇਆ ਅਗਰ ਇਸ ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇ ਚੱਲ ਪੜੇ ਤੋ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕਹੀਂ ਕੋਈ ਨਫਸਾ ਨਫਸੀ ਔਰ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵਾਕਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਫਰਿੱਜਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇ ਫਰਿੱਜ ਭਰ ਲਓ ਵੱਡਾ ਵਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਰਿੱਜਾਂ ਭਰ ਲਓ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੱਭੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਸੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਮਕਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਖਾਣ ਹੋਵੇ ਇਹ ਦੇਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਐਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20,000 ਦਾ ਮੇਲਾ ਲਿਆ 6 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕੁੰਡੀ ਖੜਕਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ 25 ਕਿਲੋ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆਹ ਮੈਨੇ ਕਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਬੜਾ ਬਾਈ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਮਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਪਿੱਤਾ ਪਾੜ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਰੀ ਬੜੀ ਆਲੇ ਲਾਣੀ ਲਿਆਂਗਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿੱਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਗੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਲੇਗੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਸੇ ਕੈਸੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰੇਗੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 2000 ਮਰ ਲਿਆ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਧਾਗਾ ਪਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਬਾਬੂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਇਹ ਉਹਨੇ ਸਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੇਲਾ ਲਿਆ ਆਹ ਵੀ ਲੇਲਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਕੌਡੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਕੁਰਸੀ ਦਿਓ ਆ ਵੱਡੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਟੱਪ ਦੀ ਡੋਲਾ ਪਏ ਮੈਂ ਕੌਡੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੱਚਾ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੌਡੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 17,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੇਲਾ ਲਿਆ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਡੂ ਸਾਹਿਬ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਲਿਆ ਦੇ ਬਸ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਮੈਂ ਲੇਲਾ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਕੌਡੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਕਸ਼ੇ ਚ ਭਾਇਆ ਲੇਲੇ ਨਾਲ ਘਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਓਏ ਰਾਣੇ ਤੇਰੇ ਲੇਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਵਾ ਹੈ ਸੱਚਾ ਵਾਕਿਆ ਭਾਬੀ ਵੀ ਇੱਡੀ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੱਡਾ ਲੇਲਾ ਲੇਲਾ ਤੇ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਦਾ ਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਲੈ ਆਏ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੁੰਬੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮਾਰ ਗਲੀ ਚ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਅਜ਼ੀਮ ਆਦਮੀ ਨੰਗੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਕੌਣ ਲੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੌਡੂ ਸਾਹਿਬ
खुशियां दा दिन लेकिन एक जाति जी गल मेरी सची शादी नहीं हुई मैंने कहते यार मुंडे ड्रामिया एक दूजे इश कर लेते हैं दोस्त कर लेंगे लव मैरिज हो जाती है मैं नहीं ऐसा कर सकता मैं क्या क्यों नहीं हो सकता तुझे ड्रामे में जाओ जी कुड़ी अच्छी लगती है उन्होंने आई लव यू बोलो ओरी केयर करो पांच छह महीने साल इंस्पायर हो जाएगी चल पाई अगो शादी कर लेना कहने फिर अगले ड्रामे तो सही है ड्रामे मैं किसी आई लव यू नहीं करना मैं क्यों क्या मैं गंदा हो गया ये मैं सारिया मारी मारी कह नहीं कर अच्छा मेघा जी मैं ये बताए जी जी कि यकीनन कुर्बानी वाले दिन ईद के दिन आप कुर्बानी करती होंगी तो इस दफा क्या खरीदा कितने का खरीदा सबसे पहले तो चूंकि वो सब अपने यहाँ इकट्ठे हो गए तो एक माहौल बन गया ईद तो हो गई माशाल्लाह टैलेंटेड है कंपेयर एक्टर डांसर और सिंगिंग मैं पांच पट्टी फनकार देखे सन पांच पट्टिया कुड़ी पहली बार मिली बहुत शुक्रिया मेरे लिए बड़े एजाज की बात है मेरी भाषा है हाँ सब कह रहे हैं और मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक और देखने वालों को ईद मुबारक और बात फिर वही आ जाती है कि ईद की खुशियां मिल बांट कर एक दूसरे के साथ खुशियां सेलिब्रेट करें बाकी बात रहेगी कि इस दफा तो जानवर बाकी छोटा हो या सॉरी आपका क्या मतलब मेरी तरफ फोकस हो गया तेन लै देना सी लेकिन मेरे सिंह टूटे कुर्बानी टूटा हुआ मैं समझ गया मेघा जी की बात को जी 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 आखा कोई बात नहीं जवानी पे फोकस हो जाता है बकरे लैन गए तो बकरे ने टुटा मार गया यार मेरा पिछली नदी तो बड़ा औखा जो काम हो मैं बकरा चारण वास्ते पहाड़ी से लैके चले तो बेचे एडा सारा नाला आ गया मैं अजय सोच ही ले समझे मैं उधर किस तरह जावा बकरा पिछो आया उन्हें मैं दुड मारी लाया उन्हें यानी आप बाहर चले गए हाँ जी उन्हें नाला पार करा तो उन्हें समझे मेरा बड़ा मुंडा अपना बच्चा माशाल्लाह एनक ढाडी छे नंबर है ते अकल दा एक नंबर ही क्या कसूर है छोटा जानवर हो गए या बड़ा जानवर इस दफा बहुत महंगाई है बात वही चल रही थी कि बहुत ज्यादा महंगाई है बकरिया से क्यों महंगाई अच्छा अच्छा नहीं हर बकरिया ने महंगाई होनी चाहिए उनकी वजह जेड़ा बकरा पूछल बहुत ही इंजन करे और तभी तो टैक्स लग गया पूछल के नाल ना मीटर लाए ने किन्ने यूनिट छोड़ गए नहीं सकिया भाग साहब छोटे कहते उन्होंने सिंह भरे ने तो वे शुगर लेकिन बट साहब महंगाई तो बहुत ज्यादा हो गई है ना? लेकिन बात वही है कि जो आने वाला है वो पिछले पर ब्लेम गेम ब्लेम गेम है वो ये कर गया वो अच्छा, नहीं, कर गया। मेघा जी मैं मतलब आम लोगों से हम मिलते हैं मतलब बहुत सारे अमीर लोगों से भी मिलते हैं बहुत सारे गरीब लोगों से भी मिलते हैं तो मुलाकातें सबसे होती है असि तो भाजपा की सलाम दो लेंगे मिलते नहीं पता नहीं जब्फी से कि टैक्स पै गया पता लगे जी ईद मिले तो 17,000 पै गया अच्छा बट साहब अच्छा तो हुकूमत है जी उन्होंने घूमते रहते तो बाहर क्यों कर लिया इन्होंने 100 दिन तो मंगया से असि पाकिस्तानी मुस्लिम लोग हाँ असि 70 साल देकर बैठे से असि क्या 100 दिन शायद कोई तब्दीली आ जाए 100 दिन बाद खान साहब ने पूछा की है ढिला जामू करके कहते 100 दिन हो गया सारे दबा करया करो जिहड़ा भी कोई फौत होना है 5 बजे तो पहले पहले फौत हो गए 5 बजे तो बाहर होता टैक्स भी पै जाना अच्छा एक आप माशाल्लाह से एक अमीर औरत है मतलब एक बड़ी आर्टिस्ट है तो क्या मैं दिल मैं एक बात करूं कि आपको भी कोई इस महंगाई और इस जो सिस्टम चल रहा है
इससे आपको भी कोई फर्क पड़ा? देखिए जी, हमारा मेकअप भी महंगा हो गया जो मेन चीज थी, लेकिन ऑब्वियसली जब मैं एक खातून भी हूँ और मुझे घर भी चलाना होता है, हमारा भी एक बजट होता है। बट सब बात सिर्फ वही है कि आप जितना मर्जी गुड़ डालते जाएंगे वो मीठा होता जाएगा। तो जब आप बहुत ज्यादा आपने काम करना हो तो फिर उसके लिए आपको रख रखाव भी उतना ही रखना पड़ता है। यकीन माने कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, चाहे वो गरीब आदमी या अमीर आदमी है, और दरमियाना तबका तो मैं कहती हूँ वो पीसी गया बेचारा, वो तो अब रह नहीं गया अपनी सफेद पोशी में, वो कुछ बता ही नहीं सकता कि हम पे बीत क्या रही है। मेकअप तो सस्ता होना चाहिए लाजमी, इसी वजह तो घर झगड़े बड़े हो रहे हैं भाई साहब। वो क्यों अफोर्ड नहीं कर सकता बंदा बीवी का मेकअप? वो बेचारी ने मेकअप नहीं किया होता, बंदा बारह घर होता उन्हें कहना भैन मेरी इतने मेरी बुढ़ी रही है। महंगाई तो बात साहब इन्नी हो गई है, लोगों के कद वेखो कड़े कड़े रह गए। मैं इस हजार में बना नहीं हूं मैं 10 पै जाएगा सारे महंगाई नहीं। बट साहब मैगजीन कहा कि माशाल्लाह तो उन पर टैक्स पै सकता है ये है वो, लेकिन मैं एक हिसाब लाया कि मैगजीन ने इतना बड़ा बिजनेस शुरू किया है कि उन्होंने सारी जिंदगी घाटा पै ही नहीं सकता। जी इन्हें इस किस्म का बिजनेस किया, इन्हें वो जिन्हें पैदा किया वो बिजनेस शुरू किया। हाँ जी एक दिन दिन तो 70 लेंगे, इन्हें कोई कमी आ नहीं सकता। हाँ जी यही है ईद का दरस, ये इस ईद का दरस है। अंदर खाते का नहीं ना पता कि जब आप काम करेंगे सिर्फ घर कर दियो के सोच भी मंगते पे तो घरों भुखे आ गए ने, ना रोटी वाले डब्बा नाल लैके आने वेखो तुम सिलाई लिया नाल मीठे मीठे स्वेटर ही कर दे। नहीं मुझे बादशाह सलामत पे वैसे तरस आ रहा है क्योंकि देखे ना माशाल्लाह कितना बड़ा ताज पहना हुआ है तो पजामा पाटा हुआ पाया सलामत आप भी एक चक्कर बाहर का लगा जी तुम की पता होता कीमती लिबास अठ गंडा खोलन तो फिर इन्हें ना पता निकलता रो रहे उन्होंने शाही आंसू ने। नाज़रीन यहां पे एक छोटा सा ब्रेक होगा, कहीं मत जाइएगा क्योंकि आज शुगल मुगल जारी है।
जी नाजरीन, वेलकम बैक प्रोग्राम शुगल मुगल। और आज ईद का दिन, और इस ईद के दिन में आपके घर में खुशियां चल रही होंगी, लेकिन आप बिल्कुल परेशान ना हो, हमारे यहां भी बहुत सारी खुशियां चल रही हैं। हमारे साथ मेघा जी हैं, और मेघा जी जिधर जाती हैं उधर खुशियां हो जाती हैं। ऐसे ही थैंक यू सो मच। मैं खुशियों की वजह बनना चाहती हूँ कि मुझे देखकर लोगों में मुस्कुराहट आए, खुशियां आए, तो मैं समझती हूँ कि मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो। बड़ी बात है। अच्छा, एक सवाल मैंने आपसे किया था, आपने अभी तक उसका जवाब नहीं दिया कि इस दफा आपने कौन सा क्या खरीदा और कितने में खरीदा। ये जिम्मेदारी हम लोग घर वाले मिल बांट के सब करते हैं। पहले मैं इसका एक छोटा सा जवाब ये दे दूं कि मेरी जिंदगी में जब से मेरे हस्बैंड की एंट्री हुई है तो मैं पहले शेर थी, तो अब सवा शेर हो गई। हाय हाय। तो मेगा जी काश तुहाडी शक्ल च एक खुशी सानू भी मिल जाती, तो मुड़ के साडियां निक्कियां निक्कियां पंज छे होर खुशियां हो जांदियां। तुसीं जिहड़े आवाम दे वादे कीते उहनां दा सोचो यार, हुण 5.5 रुपये फिर पेट्रोल वधाया, होर की चाहना तू, किन्ना कु दिया तुहानूं मैं, बस साडियां ते फिर झोलियां चुक चुक तुहानूं दुआवां ही ने, समझ ते गई हो, मैनूं फिर फिर लगदी है जी। जाफर किहड़ा कीता दस दे इहनां नूं, इहनां ने उहनूं विचों पावे मंगाउणे, बट इहनां नूं इह कि मैं पता लगे कि की बड़े हैं ताकि चीजा मंगाए। एग्जैक्ट। बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह, इरादा जो किया था वो अल्लाह ताला ने पूरा किया। बकरे भी किए, सॉरी आप बार बार मेरी तरफ क्यों आते हैं, तुसी अलग लुआओ, तुसी बिल्ली नु बकरा समझी जा रहे हो। मगर तुसी जो मजे जानने का पूछो, तुसी बार बार मगरे पूछी आओगे। अच्छा, तो तुसी सोच लिया कि तुसी बकरे की डी? नहीं, मैं नहीं सोच लिया। लो जी, एक बार पर्चा ही हो गई। मैं नहीं हो लेंगे, एक बार पर्चा ही हो गई। कुछ नहीं होना, पहला बंदा जिन्हें खरगोश को चपेड़ा खा लेंगे। तू मैंने पूछा ना जिला, अब मेरी जगह तो मारूंगा। जी, बट सब बात फिर वही मेरी रह जाएगी। तो माशाल्लाह 4 बकरे किए हैं, 2 बड़े जानवर किए, और अभी हमारा कल का दिन अभी बैलेंस है, तो कल भी इंशाल्लाह हमको मैं लेला ले लिया, मैंने हूं कसाई नहीं लभ रहा। कसाई की बुकिंग 13 दिन दी हुई। 4 बकरे मेगा जी? हाँ जी। ते 2 बड़े जानवर? 2 बड़े जानवर। ते होर की कीता? अभी कल करेंगे बाकी बैलेंस। होर कुछ दवो ना दवो? हाँ जी, सारे दी उजरियां बढ़ सकती हैं। राई साहब, कसाई नहीं लभ रहा। बेटा तू अज मुंडी ले जाना, कसाई भी आ। राई साहब तुहाडा रंग क्यों काला हो गया? 1 मिनट, 1 मिनट, कसाई लभ गया मेरिया बोतियां कर दे। बकरे की खल नहीं लाते, बकरे की खल लाते। राय साहब से मैं पूछ रहा था कि रंग क्यों काला हो गया? बस बच्चों की गलती। ईद वाले दिन मेरे कमरे च एसी लाना सी, आउटडोर ला गए। जी मैंने ये तो पूछा था कि आपने इतना कुछ खरीदना है। पानी नहीं, मैं असल में ये पूछना चाह रहा था कि कितने कितने में खरीदा, क्योंकि मैंने सुना है बहुत सारे लोगों ने इस दफा बकरा खरीद नहीं सके, तो मुझे कुछ रेट बताए ना कि क्या कितने कितने। डॉक्टर साहब ने 16 लाख की फ्रिज लीती। हाँ जी, ताकि पूरा संडे बेच आ जाए। साहब बकरिया की वजह तो मैं 3 दिन ICU च रह के रेट सुनते मेरा दिल घबरा गया। डॉक्टर साहब, रेट तो आपको पता ही है कि पिछले साल के बनिस्बत पहले कहते थे कि
पिछली बार बड़ी महंगाई थी तो अभी ऑब्वियसली इससे डबल ट्रिपल रेट्स हो गए, तो छोटा सा छोटा बकरा भी देखो तो वो भी 25,000 से 30,000 से कम है ही नहीं। इवन जो सदके के बकरे हैं वो लोग अब 15,000 के देते हैं, आप नॉर्मल रूटीन में जाएं तो वो इससे नीचे नहीं भी मिल जाता है। जानवर ले बेंच नी पगाने बन ले आपने क्या कुर्बान किया? मैं तो जी नियत की थी कुर्बानी की, अच्छा के दवांगा, अच्छा जो ये मगरों लथन गए तो तुसी की कीता रहे साहब? कुछ नहीं, मैं भी खरीद ली था कि ओ वे को बारे बने वेड़ा अंदर ही है। ए तुसी ज्यादती कर रहे हो, ए कोई होर दा वेड़ा है इत्थे ही होना है। हर बंदे गल कर रहे, मैं तो वेख के पछाण रहे। वैसे अपन की गल सारे कुर्बानी तो घबरा रहे ने, मैं नहीं घबराया, मैं चार जानवर ले रहे। अच्छा हां कितने ने? मुर्गियां। मेरा ख्याल है कि आज खुशियों का दिन है, जरा इंजॉय कर रहे हैं सब। क्या क्या ख्याल है कि थोड़ी म्यूजिक म्यूजिक बैठा, खुशियां सारी हैं, ईद की हम मना रहे हैं तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आगे पड़ा हुआ, वो बारबेक्यू वो जो मुझे फोन पे कांटा पास है, यहाँ पे बड़ी ईद मनाई जा रही है, यहाँ पे तो आपने छोटे छोटे मच्छर इकट्ठे किए। नहीं नहीं नहीं, जी मेरी गलती है, सारा कुछ तैयार सी, खाना भी मटन भी टिक्के भी, मैंने गलती में बादशाह ने कहा कि मेगा जी आऊ तो पहला चखो अच्छे बने ने के बुरे, चख दे मुकाने बोल रहा बादशाह आप हली भाई सु सानू ने बकरा कितों गुआ बकरा ले के चमचा मारो, मैं नहीं मारना। क्या लिया? नहीं मैं ले बकरा लभ रही हूं, कोई बकरा लभे तो बकरा लवाना। कुड़िया तू कुर्बानी करनी नहीं चाह रही, तू कुर्बानी लेना चाह रही। अच्छा मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा कोई म्यूजिक शूजिक का तड़का लगा। अच्छा म्यूजिक जरूर हो गए लेकिन तुसी ना ना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं बाहर पूतरे संडे देख के आया। आज हमारे साथ शाहिद साहब, इमान फातिमा, इंतहाई खूबसूरत गाने, बड़ी तारीफ सुनी जी इनकी, है ना? तो इनका गाना सुनते क्यों मेगा जी? जी बिल्कुल बिल्कुल, आइए जी इमान फातिमा।
ناظرین پروگرام شغل مغل, اور آج عید کا خوبصورت دن, اور آج ہم بھی بڑا انجوائے کر رہے ہیں جس طرح آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کے مزے مزے کے پکوان کھا رہے ہیں, اسی طرح ہم بھی مزے مزے کی باتیں بھی کر رہے ہیں, اور تھوڑا سا تو ہم نے ابھی ریفریشمنٹ بھی کی ہے کیونکہ ہمیں موقع مل گیا جو ہمارا چھوٹا سا جو وقفہ آتا ہے اس کے اندر ہم نے بادشاہ سلامت آپ نے ریفریشمنٹ تو سی کیتی ہے, اسی تے خالی پلیٹاں ہی ویکھیاں نے, اسی کہ پڑیاں سر کی ہویا انہاں کے پاس پھیر گیا ہے. اچھا آپ کے لیے جو سرپرائز ہے میرے پاس جی وہ آپ نے پوچھا ہی نہیں ہے, میرے پاس آپ کے لیے ہمارے ملک کی شان بچوں کے فیورٹ اور اینک والا جن کے مشہور و معروف ہمون جادوگر ہمارے ساتھ ہیں حسین پاشا. ہوں پتا لگا جی روٹی کتنے کی میں حرام بھی نہیں کھاندا. رائی صاحب یہ پروفیسر نے بیٹا ہو نجومی نے نال توتا رکھے چھوٹا جا کھوتا ہے کھوتے نے کپڑے پائے بڑے مشکل پالک کھوتے تو جان چھوٹی ہے کاریگری ایسے نے مارنا بٹ صاحب تو پتا نہیں لگا ہر بندے نے کھواتا میں بھی کہا گیا میں جھوٹ بولا میرا دل کرے میرے کو پار لگے میرا دل کرے میرے کو کھمبے نہ بنے ایک مجھے ادو سمجھ آئی جی کہ میں کھانا کھوتا گڈی انج بند کرنے کی بجائے اپنی بیگم اچھے طریقے بلا لگ پے کہنے لگ پے نہیں گل میں چیری سی میں نسل کا پتا کرنا نسل کا پتا لگ گیا کھوتا تھی کھدا ہوئے گا ابھی تو نہیں کھدا کیما کما کھا رہے ہوئے تو پتا نہیں لگا. اچھا اچھا آج عید کا دن ہے خدا کے واسطے آج بکرے کھانے کا دن اچھا جی پاشا جی ایک سوال میں نے میگا جی سے بھی پوچھا آپ سے بھی پوچھتے ہیں کہ قربانی کے لیے جانور خریدا ہوگا آپ نے تو کتنے میں خریدا اور کیا خریدا؟ میں بہت دفعہ گیا ہوں پیسے لے کے میری بات نہیں بنی. آج سنا ہے کہ آج رات تک بکرے سستے ہو جائیں گے, ایک فوج اڑی ہوئی ہے اگر وہاں چلا گیا اور سستے ملے گا تو میں پھر کل کر لوں گا جی. جنہوں نے سستے کرنے نے بکرے وہ بھی بیٹھے ہوئے مطمئن بیٹھے میں کتوں نہ کتوں کلیجی آ جانی وہ جی وہ رجے پے نے انہوں نے سر سے ماخو لگی شاید چون دیا اکل والے سوال ہے بادشاہ سلام. یہ اکل والے سوال ہے پھر منو نہیں سمجھ آئی میں ذرا ان کا ایک امتحان لینے لگا ہوں نا میگا جی کا. آپ یہ بتائیں کہ جب بندہ قربانی کے لیے بکرا خریدتا ہے تو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے؟ اچھا جی سب سے پہلے تو دیکھیں کہ جو جانور خرید رہے ہیں وہ زخمی تو نہیں ہے, کیونکہ زخمی جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ دانت چیک کریں کہ وہ دوندا ہے یا وہ جس کے چار دانت ہوں تو ان میں سے کہتے جو چھوٹی عمر کا ہو اس کی قربانی زیادہ مطلب کہ وہ گوشت بھی کھانے کے قابل ہوتا ہے. اور پھر زیادہ خیال اس بات کا رکھا جائے کہ اس کی پرائس بھی کم ہو. اصل بات سب باتوں کا خیال رکھا جائے, اور اسپیشلی جو لوگ گھر سے بھی جاتے ہیں ان کے لیے بھی آپ کی وساطت سے میں یہ پیغام بھی دینا چاہوں گی کہ وہ اپنی سیف سائڈ کر کے جائیں, کیونکہ جانوروں کے پاس جا کے آپ کو پتا جرمز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو جو لوگ گھر سے جاتے ہیں وہ اسپیشلی ماسک
हाथों के और फेस वगैरह कवर करके जाएं क्योंकि कांगो वायरस बहुत ज्यादा ये बादशाह आपके साथ बहुत ज्यादा पंगे ले रहा है। बादशाह एक बादल है कि दादी जी तारीफ कर सारे बकरे चेक कर लक तो चेक कर दे बकरे की धूनी चेक कर अशरफ राय साहब भी बकरा लैन गए बेगम कहती खीरा लैके आना तो खीरा लैके आ गए गोडे मजबूत ने ना गोडे तो दौड़ लै ला जो बंदा बोटी खा के नचन लग पे समझो मेरा लंगोश्त है। आजकल वो एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है कि प्लेट से एक गोश्त का पीस नीचे गिरता है तो वैसे डांस कर रहा होता है तो वो मेरे घर से तो नहीं गोट गया। अच्छा पाशा जी जब से आप जादूगर बने मतलब ऐसा जादू करें कि कौड़ साहब बड़े हो जाए क्या नहीं हो सकता। हेलो हाँ जी जादू कराओ तुम्हें हर चीज तो जादू चलता भी नहीं और उल्लू बैठा है तो बिल्कुल नहीं चलता। अच्छा जी पाशा जी मैं ये सवाल कर रहा था आपसे कि जब से आप जादूगर बने हैं उसके बाद की ईद और उससे पहले की ईद में कोई फर्क था। बकरे थोड़े सुस्तेला भी जाते ने जी। अच्छा हाँ पहले अगले मिशन मानते हैं कि हूं तारुफ करा दीजा कि यार मैं हमू जादूगर हूं आपने ड्रामा। अच्छा 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 तो दो तरह के बंदे मिलते हैं तुम तो बड़े तरह को नोट हो गए तुम हमू जादूगर है और फिर पंजी की चीज पंजा से दस देने तो कोई गैरतमंद हो कोई चंगा हो खानदानी और कहता नहीं तुम मुल्क के स्टार है तुम जनाब 2000 घट दे दियो फर्क पै जाते बड़े भाई का तारुफ कराया कर सांवरी जादूगर का छोटा भाई जादूगर का जो मंत्र सुनने के लायक बल्कि एक दफा सुनने बंदे मानी जान मंत्र साहब बच्चे जादू नहीं चलता जी इन्होंने मंत्र तो बरसा बहुत उद्देश्य है लेकिन जरा मशहूर मंत्र से गुम गुम गुमा छुम छुम छुमा कछुकुमा कछुकुमा चल चल चकरी बिन बिन बकरी बिन बतौड़ी नासा चोरी खा ले कचोरी मैं चुंदा तू चोरी आ जा कोमन 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 अरे मैंने कहा था ना चुड़ैल नहीं तू डैन है मेरी प्यारी पैर है शूनिया शौनिया पालिया मेरे पैसे काट ले जा तू ना पैसे काटता पाशा मम्मी तेरे मेरा मांगना अच्छा जी एक और मेगा जी सवाल मेरे जेन में आया इन्होंने मांग लिया जी कर रहे जब बकरा घर में आ जाता है तो बहुत सारे लोग उसकी बड़ी खिदमत करते हैं शाह साहब उसमें भी मतलब कोई उसको सजाते हैं बनाते हैं कोई उसकी वो झांझरे डालते हैं ठीक है मेहंदी लगाते हैं उसको बहुत कुछ से डेकोरेट करते हैं। क्या आप भी इस तरह से करती हैं?
شاید چھوٹے ہوتے کرتے ہوں لیکن اب تو خیر ایسا نہیں ہے کیونکہ اب تو ایک جذبہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے والا جانور ہے لیکن موسٹلی بچے گھر میں ضرور ایسے کرتے ہیں اور کیونکہ لاسٹ ڈیز میں جانور گھر پہ آتا ہے تو آلریڈی سجے سجائے ہوتے ہیں وہ ڈیکوریٹ کیے ہوئے ملتے ہیں لیکن وہ لگتے بہت خوبصورت ہیں رائی صاحب بھی پہلے سجاتے ہوں سن انہوں نے آم بکانے لے آ کے بکرے نو بننے نے غلطی نہ گیس والے آ گیا بارہ بکانے بننے نے مڑ کے لے لے ہی اٹھ گیا بادشاہ سلامت لیلا لیا نال پھر مالشیا لیا دس دن پہلے لیلا لیا دس دن پہلے مالشیا بڑا کیوں لیلا ہی اتنا مارا لیا بادشاہ سلامت نے بکرا لیا بھی مارا ہوں کہ میرے میں اللہ ہی راہ دینا کہ جن میرے جان ہے میری روح کوٹے کے اتنے بھی جانا لیکن آج بکرا نا جب قربانی ہوئی جاتے جاتے ایک بات میرے کان میں کہہ گیا وہ کہہ گیا کہ میرے جو زیور اتریں گے نا وہ بادشاہ سلامت گفٹ کر دیں کوئی بات نہیں تم کہنا میں نے جمع کرا دینا نکلنا نہیں بکرے میں زیور بکرے اپنا بادشاہ سلامت جی اللہ والے تم پیچھے وکیلا سوٹ پایا جا دلی دارا نو ہاتھ لاؤ بادشاہ صاحب نے دو قربانیاں کی تھیں جی بالکل ایک بکرا دیتا ابا جی کے نام کا دوسری پیٹا گئی میں کہ کیوں کہنا ہے امی جی دینا اچھا کون صاحب آپ نے کبھی مطلب آپ بھی قربانی کرتے ہوں گے ہاں جی بچ گئے میں سانو پتا تھی نہ دسو مطلب فرائی پان چ پسینا آیا صاف کر لیا میں ہر بار گیا اپنی بیوی نو دال چاول بنا لو دال چاول بنا لو اس دن میں اپنی بلیک برفی برفی کی ڈلی رکھیے تو رو لگ پہ میں کہ ہوا میرے اگے کوئی تھڑا بنا گیا سب تو زیادہ جانور میں پیار بادشاہ سلامت کر دینا لو بکرے کی پوچھل کٹ کے اتنے لا لیے دال چاول کھان لگے کوٹو صاحب چمچہ لبن چمچہ نہ ملے تو چھوٹے بچے نے فرق کھا لیں بالکل ایڈا وڈا منہ مارتا تھا نہیں میں میرا منہ کیوں مار رہا مطلب تے مسافر دے نال میں چپا اچھا مطلب میں تانو چپ کے نہیں بنا اچھا بادشاہ جی کیا اچھا لگتا ہے عید والے دن کیا پکانا اچھا لگتا ہے کون سا کھانا ہے جو آپ کا فیورٹ سر یہ میں سب سے سوال کروں گا باری باری یہ سارا میرا خیال ہے کہ سوال صاحب کے ایک ہی ہوگا جب شروع میں جس وقت ہم نکالتے ہیں کلیجی اور تھوڑا سا وہ پپھرا اور وہ فوری طور پر دل سب سے پہلے جا کے ابھی بن رہا ہوتا ہے کہ لو جی بھون لو جا کے اور بکرا بننے تک وہ چیز بھون کے آ جاتی ہے تو کسائی کے نال مل کے سارے کھا لینے وہ سب تو پہلے سی وہ کام ہو چکا ہے جی گور صاحب اور میں تھوڑا بہت کھانا ہی ہوں گا لیکن میں بعد کوشش کرنا کہ میرے لیے پھلی پک جا پھلی پھلی نکل کے کھول تو ڈیڈ دانے نکلتے تین بگانی نہیں نا بندی چلو جی بادشاہ سلامت جی دیکھو میں کھاواں گا تو معیشت ٹھیک کیویں ہوئے گی جو جو تو بتا دینا مشیت یہ قربانی کس لیے ہوتی ہے کس لیے جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے گوشت کھانا سارا سال ان کو یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ آپ ان کو دے جا کے دیکھو نا جی جنہ سارا سال نہیں کھدا دال کھدی ہے بےچارے نے اچانک انہوں نے گوشت دیو گے انہوں نے ہاضمہ خراب ہو جائے بیمار کرنا ہو جائے سب تو زیادہ گوشت بادشاہ نے لگتا ہے سارا سال چار بسکٹ کھدی آپ بھی تکبینہ نہیں کھوائی
ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਢੂੰਢਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਨਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੱਥ ਲਾਓ ਨਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਨਾ ਮੋਟੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਚਾਂਪ ਦੀ ਵੋਟੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਾਂਪ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ तो वो गाना सुने और गाना सुनने के बाद ब्रेक होगी ब्रेक के बाद हम वापस जा पाएंगे तो मेरे पास आपके लिए एक और बहुत बड़ा सरप्राइज होगा ठीक है निगा जी जल्दी जाइए जल्दी जाइए तो आइए नाज़रीन गाना सुनते हैं तहसीन सज्जाद ਹਾਰ ਸੰਗਾਰ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਉਸ ਨਦੀ
जी नाज़रीन, वेलकम बैक प्रोग्राम शुगल मुगल। और आज ईद का स्पेशल प्रोग्राम, ईद की खूबसूरत बातें चल रही हैं और आज तो यकीन करें हंस हंस के मेरा बुरा हाल हो गया। अच्छा मेघा जी, मैंने आपसे जैसा कहा था कि मेरे पास सरप्राइज भी है। हमारे मुल्क की एक और बहुत प्यारी आर्टिस्ट है, वो भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, बल्कि बैठ चुकी हैं हमारे पास। बहुत खूबसूरत गाती हैं, बहुत ही कमाल गाती हैं, आसमा लता जी। आसमा जी, आपको वेलकम और ईद मुबारक। खैर मुबारक। तो आज क्या पकाया, क्या खाया, क्या किया? मुझे अगर पकाना आता तो मैं जरूर पकाती। और खाने के लिए अब ये है कि मैं बहुत अपना वेट अगेन कर चुकी हूँ, तो डाइटिंग पे थोड़ा एक हफ्ता हुआ है कि ध्यान मेरा जा रहा है। अच्छा, तो मैंने सोचा कि फारूक साहब के प्रोग्राम में जाना है तो स्टार्ट यहीं से ले लेते हैं। क्योंकि मेरे सामने मेरे मुकाबले जो है वो मेघा जी हैं, स्मार्ट गॉर्जियस लेडी। तो मैंने सोचा मैं क्या करूं, तो आज से मैंने और भी इरादा कर लिया है कि मैं ईद का गोश्त बिल्कुल नहीं खाऊंगी। झूठ बोल रहे हैं, तेरे वर्गी कुड़ी भूल दिया 1.5 किलो खा जाती है। कसमें इंज करनी ना फोन नहीं कर दी। सुबह मैंने लगा सी इतना आवा गुवड़ी बत्ता मिलेगा, कोई करेले गोश मिलेंगे, कुछ ऐसा बादशाह मारता ऐसे मत। क्या चाहते हो? आपको जिले सुखा हम तो मिल सकते हैं, लेकिन हमारी जेबें खाली है। मन नहीं चाहिए खाली सीधा करो, जेबे क्या हमारा तो खजाना भी खाली। सारे मेरे आसमान के कपड़ों पे नहीं जाना, इनका पजामा देख ले जरा। मेरे अंदर एक मधुबाला जो है वो मर्दिश करती मर नहीं चुकी। जिंदा है खुदा दोबारा इस समझ कही बैठी है। खराब काम ना करो, अपना भी गोल बैठा है। जी हाँ, आपको मालूम नहीं है अंगूठी बारिशों का मौसम छतरी बना। देखो अंगूठी देखो, अद्धा भेटा पाई खलियां। शादी करना चाहती थी लेकिन मैं खर्चा बहुत घट होना, बाकी ला रहे तो सूट बनाने पैने, इन्होंने तुम कैमरा का डब्बा ठीक है, छोटी चीज होगी तुम करके बड़ी तब्दीली आनी है। किस तरह? हाँ, लोग बच्चे चुकते हैं, बच्चे तुम्हारे तुरते हो मेरे दिखाव तुम चुके हो रहे जावेद साहब जो है ना, जावेद साहब इनके बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकती। अपनी उसमें इसलिए कह रही है कि वो शब्द नहीं सुन सकती कि सीधा जुतियां ला लो। आपने मेघा लड़की जो बैठी हुई सामने, इसका बुरा इसलिए नहीं मनाना कि आपकी साली है। साली
दे घर वाली, यही तो मैं नहीं चाहती थी। पूरी पूरी की पूरी। अच्छा मैं गड्डी का भी खर्चा बच जाने किस तरह आगे आम के लाड़े में गड्डी सजाई जाने ना इन्हें पोट के पास पा गया। ऐसा ना करो मिले बड़ा नुकसान होना। क्यों लाड़ा लगी फिर चौधरी में फिर से निकलना शादी कर रहे हैं हम मुसलमान मैं अभी। अच्छा वैसे तुझे तारक अपने लाड़े का बहुत अच्छा कराना हर एक ने पूछा आसमा जी आपका शहर है तुझे कहना हाँ मेरा प्लेठी का शहर चार और इन्होंने बैठा होना घर तू गणबा रखे तो कुड़िया आके कहदियां ने ना फिल्मां च नी बरात आ गई है ते इन्हें पूछना नहीं बरात क्यों नहीं आई कहंदे ने भैणा लाड़े नूं बिल्ली चोक के लै गई। हमूल जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जी जी आप इस पर मंत्र पढ़ के इनको कोडू जैसा बना दें ताकि इनकी जोड़ी तो बराबर की लगे बहन है कि मेरी दुश्मन है खूबसूरत कुड़िया तो मेरा जादू नहीं चल रहा जादू कर इस खुशी पे मैं आपको मेघा जी का एक गाना सुनाता हूँ। यस हाँ मेरी मेरी मेहंदी की हाँ हाँ इसको आपकी मेहंदी और भेज देते हैं और अकेले हमें खूबसूरत सा गाना डॉक्टर साहब मुबारक बोलेंगे जी तुम्हारी शादी की आसमा जी ने बहुत खुशी हुई थैंक यू और मैं कल महसूस कर लेंगे हेलीकॉप्टर दुनिया नाम के गड्डिया आसमा जी ने तिना बी साइकिल कोला कर दिया बिल्कुल आसमा जी आए ना मैं बड़े प्यारे लग रहे क्या खूबसूरत अच्छी हाई हाई खूबसूरत आगे ने देखो चवल की मारी देखे अपने जीजा जी का इतना अपमान मत करें आप जीजा जी माशाल्लाह जीजा जी अच्छे पाव निकली है। तुम देखो फरुख साहब तुहाडे शो दी अष्टम शान जिहड़ी है ना और मेरे होने वाले हस्बैंड ने क्या बात है इन्हां दी वजह तो सारे हस रहे हैं तालियां होनी चाहिए क्योंकि साहब भैन जी ये जिम्मे खुसरे का पिज्जा होंगे अपने मुंह झूठ तो नहीं अभी मैं आपको एक और गाना सुनाने लगा एक और गाना मेरे पास बहुत अच्छा गाना है और ये बड़े प्यारे सिंगर है मोहसिन मलिक तो आइए मोहसिन मलिक का गाना सुन सोनिए निहरिए सुन ले तू दिल दी सदा सोनिए नी मेरी हीरिए दिल तेरे ना मिलावा तेरे ना मिलावा तेरी अदा ते दिल हारे आहो तेरे बारी बारी जावा बारी बारी जावा सोनिए नी मन मोनिए हो तेरे
ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੀ ਅਦਾ ਤੇ ਦਿਲ ਹਾਰਿਆ ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਵਾਂ ਪਲਸ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਾਊਟ ਤੇਰੇ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਚੈਨ ਅੱਜਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੂਡ ਬਣਾ ਸੋਹਣੀ ਨੀ ਮੇਰੀ ਹੀਰੀਏ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਨਾ ਮਿਲਾਵਾ ਤੇਰੀ ਅਦਾ ਤੇ ਦਿਲ ਹਾਰਿਆ ਹੋ ਤੇਰੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਕੇ ਹਨੀ ਮੂਨ ਮਨਾਉਣਾ ਏ ਟੌਮ ਐਂਡ ਜੈਰੀ ਦੇ ਵਰਗਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਪਾਉਣਾ ਲੜਨਾ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੋਹਣੀ ਨੀ ਮੇਰੀ ਹੀਰੀਏ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਨਾ ਮਿਲਾਵਾ ਤੇਰੀ ਅਦਾ ਤੇ ਦਿਲ ਹਾਰਿਆ ਹੋ ਤੇਰੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਮੁਕਦੀ ਮੁਕਾ ਸੋਹਣੀ ਨੀ ਮੇਰੀ